नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, प्रदेश में महादेव ऑनलाइन सत्य ऐप पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 30 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम का छापा पड़ा है। रायपुर, दुर्ग, कांकेर समेत कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश में महादेव ऑनलाइन सत्य ऐप पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 30 जगहों पर एक साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम छापा मारने पहुंची, जहां रायपुर, दुर्ग, कांकेर समेत कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो भी जानकारी है जुटाई जा रही है और उसके आधार पर अब आगे एक्शन लिया जाएगा। लगातार ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर जगदलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई तक में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जहां पर कई बड़े जो नामी एक्टर्स हैं उनका नाम भी इसमें शामिल रहा है। दुबई से करेक्शन बताया गया था और कई लोगों की गिरफ्तारियों के बाद एक साथ 30 जगहों पर छापा। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, महादेव सत्य ऐप पर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है, 30 जगहों पर एक साथ छापा पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले रायपुर की जो पुलिस है उसने पुणे से जो गिरफ्तारियां की थी उसमें महादेव सट्टा अन्ना रेड्डी ऐप को लेकर के जो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो ट्रांजैक्शन है उसके खुलासे हुए थे और उनकी पड़ताल तो की ही जा रही है। साथ ही साथ अब एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने भी 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कई जो आरोपी है महादेव सट्टा ऐप को लेकर के अभी जेल में बंद है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने रिणु उनसे अदालत से अनुमति लेकर के पूछताछ की थी, तो यही माना जा रहा है कि जो पूछताछ में जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद जो दुर्ग, रायपुर और कांकेर सहित अनेक ठिकानों पर दबिश दी गई है और जो एसीबी ईओडब्ल्यू यही जांच कर रही है कि महादेव सट्टा ऐप के जो पैसे हैं आखिर किस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जाते थे। कुछ पुलिस अधिकारियों के भी इससे पहले जो ईडी ने जो आरोपियों की गिरफ्तारी की थी तो उनका भी नाम आया था कि कुछ पुलिस के अधिकारियों को भी बकायदा महीने रकम जाता था। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की भी जो संलिप्तता है उसमें पाई गई थी। कुछ नेताओं के भी नाम इसमें आए थे जिस पर अब पूरे तरह से खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले जो एसीबी ईओडब्ल्यू को जो इनपुट मिले हैं उस आधार पर अब छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। देखना होगा कि इस छापेमारी की कार्रवाई में और भी किस तरह के खुलासे हैं वो हो सकते हैं। महादेव सट्टा ऐप हो चाहे कोई भी ऐप हो लगातार छत्तीसगढ़ में पांव पसार रही है और महादेव सट्टा ऐप में करोड़ों रुपए के जो ट्रांजेक्शन है वो मिले थे। कई ऐसे खाते, लगभग 200 खाते की भी जानकारी जो मिली थी जिसमें रकम के लेन देन किया गया था और इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की भी जो संलिप्तता है वो पाई गई थी। बैंक के लोग जानते हैं, अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि ऐसे खातों को प्रोवाइड कराना और पैसे का ट्रांजेक्शन करना, उसकी जानकारी नहीं देना अपराध की श्रेणी में आता है। तो देखना होगा कि शिकंजा एसीबी और डब्ल्यू किन किन पर कसती है, लेकिन यह तय है कि इस छापेमारी के बाद और भी जो गिरफ्तारियां हैं होगी। जी रिनो, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इस छापे के बाद और भी गिरफ्तारी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे इस दौरान हुए हैं। बिलासपुर के बिनोबा नगर में एक बार फिर लबजिहाद का संदिग्ध मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां के एक हॉस्टल में रहने वाला सोहेल खान अलग अलग लड़कियों को अपने कमरे में ले आता था, जिसकी शिकायत कॉलोनी के लोगों ने हिंदू संगठन से की। हिंदू संगठन के लोग कमरे पर पहुंचे तो वहां सुहेल खान और एक युवती मिली, दोनों को पुलिस के पास ले जाया गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोप लगाया कि युवक हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने कमरे में लाकर गलत हरकतें करता है। पुलिस ने दोनों के माता पिता को फोन कर जानकारी दी। युवक के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। तलाशी लेने पर कमरे में पुलिस को अश्लील सामग्री भी मिली है। तो आप ये देखिए कि एक युवक जो कि सोहेल खान नाम का युवक है और ये हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था, कई लड़कियों को ये अपने कमरे में ला चुका था। कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत की और हिंदू संगठन जब मौके पर पहुंचा तो कई चौंकाने वाली जानकारी, अश्लील सामग्री भी यहां से मिली है और अब इस युवक को और साथ ही जो युवती यहां पर पाई गई है उसके परिजनों से शिकायत की गई है। तो वो एक लड़का सोहेल खान नामक युवक रूम में मिला
और उसके साथ में एक हमारे हिंदू परिवार की बहन थी और वो भी उसी साथ में रूम में थी और उसके रूम से बहुत ही अश्लील सामान हमको प्राप्त हुई, जिसमें अपनी बहनें और पूरे मोहल्ले वासी लोग वहां पे जाके देखे तो वहां पे बहुत ही गलत तरीके से वो लोग हमको मिले वहां पे, जिसको हम लोग आज थाना तारबहार के माध्यम से तारबहार पुलिस के पास संपर्क कर उनको थाना तारबहार लेकर आए हैं। तो लड़की और लड़का इनसे मिलना जुलना था, हौसला आना जाना था तो उसी बीच आज कॉलोनी वालों की शिकायत आई थी कि जो है लड़का लड़की एक दूसरे से कमरे में अकेले में मिलते हैं, ठीक नहीं बोलते, तो कॉलोनी वालों की शिकायत पे लड़का लड़की को यहाँ तलब किया गया था, उनके परिजनों को तलब किया गया है और क्योंकि लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है तो माहौल को देखते हुए लड़की के ऊपर भी धामी कार्रवाई की जा रही है और उनके परिजन। तो सुना आपने, और युवक के कमरे से जो सामग्री बरामद की गई है, अश्लील सामग्री, उसे भी जब्त कर लिया गया है। और जो आरोपी युवक जो बताया जा रहा है सुहेल खान नाम का, इसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल जो यहां पर हिंदू संगठन पहुंचा था उन्होंने इस बात का खुलासा किया और पुलिस को भी शिकायत की गई है और युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। संवाददाता उमेश भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया और कैसे पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि कई लड़कियों के इस रूम में आने की जानकारी मिली थी और जो वार्डवासी हैं वो लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे थे और जब इसकी शिकायत की गई तो इस पूरे मामले की जानकारी निकलकर सामने आई है। लव जिहाद से जुड़ा ये पूरा मुद्दा सामने आया है। बिलासपुर का पूरा मामला बता रहे हैं, युवक के कमरे से आपत्तिजनक सामग्री मिली है, युवती और युवक दोनों को पुलिस ने देखा, उनसे पूछताछ की गई, परिजनों को सूचना दी गई है और अब आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार ये क्या पूरा मामला है, क्या ये कोई प्रेम संबंध है या फिर यूं कहें कि ये लव जिहाद का कोई मामला है, क्योंकि युवक लगातार अलग अलग लड़कियों को अपने रूम में लाता था और इसी बात की शिकायत कॉलोनी वासियों ने हिंदू संगठन से की थी और जब इस दौरान वो किसी युवती को लेकर पहुंचा रूम में तो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंच गए और मौके पर जब पहुंचे तो उसे लगातार पूछताछ की गई, काफी विरोध किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, क्या कोई प्रेम संबंध या वाकई में लव जिहाद का पूरा मामला है, क्योंकि पहले भी कई लड़कियों को रूम में ला चुका था ऐसी जानकारी है, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है और पुलिस क्या कुछ एक्शन इस पर ले रही है? देखिए, सोहेल खान का नामक एक युवक है जो यहाँ पर विनोबा नगर स्थित एक हॉस्टल में लगातार अलग अलग लड़कियों को ला रहा था, जिसकी जानकारी जो है वो स्थानीय लोगों ने हिंदू संगठन के लोगों को दी थी और इस बीच हिंदू संगठन ने मकान मालिक जहाँ पर ये किराए पे लड़कियों को लेकर आता था उनसे पहले परमिशन लिया, इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी और वहां पर जब दबिश दी तो यहाँ पर देखा कि आपत्तिजनक स्थितियों में जो युवक और युवती है वो वहां पर मिले, इसके साथ ही आपत्तिजनक जो सामग्री है वो वहां पर मिले। ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये जो लड़का है सोहेल खान ये अलग अलग लड़कियों को लगातार यहाँ पर ला रहा था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को पर एक्शन ले ली है, उस जो युवक है उसको हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, इसके साथ ही जो वहां पर लड़की मिली थी उसको उनके परिजनों को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब जांच का विषय का है कि आखिर ये लड़का कौन है, कहां से आकर ये रह रहा था, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इसके संपर्क में है और इस तरीके से ये कितने दिनों से इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था, ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है सोहेल खान को और उससे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो सोहेल खान है उसे हिरासत में ले लिया गया है, आगे की जांच कार्रवाई होगी और जो स्पष्ट होगा उसी के आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। तो लव जिहाद से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। कोरबा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी मासूम बच्चे की हत्या की गई है, पति पत्नी और 2 साल के मासूम का शव घर में मिला है। उर्गा थाना क्षेत्र के कुकरी चोली गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये हत्या क्यों की गई है, क्या कुछ कारण थे कि आरोपी ने एक मासूम 2 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, पति पत्नी समेत 2 साल के मासूम की हत्या कर दी गई, घर में शव बरामद किए गए हैं। उर्गा थाना क्षेत्र के कुकरी चोली गांव में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। चौंकाने वाला पूरा सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर मामला सामने आया है कोरबा से, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई, पति पत्नी और 2 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां पर शव घर में मिले हैं उर्गा थाना क्षेत्र के
कुकरी चोली गांव का मामला है। गांव में डर का माहौल, इलाके में पूरी सनसनी फैली हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, हर तरीके से तहकीकात की कोशिश की जा रही कि आखिरकार क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, पति पत्नी समेत 2 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। कोरबा में ट्रिपल मर्डर से इलाके में डर का माहौल, सनसनी फैल गई है। दुर्ग में युवक की हत्या, शराब खरीदने के दौरान विवाद हुआ, गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। देखिए, शराब खरीदने को लेकर ही महज विवाद हुआ था, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलगांव शराब भट्टी की घटना बताई गई है। दोनों युवक शराब खरीदने पहुंचे थे भट्टी, पुलगांव थाने का मामला है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर है दुर्ग से, युवक की हत्या, शराब खरीदने के दौरान विवाद और उसके बाद गले में चाकू से वार किया गया। मुंगेली में मोबाइल में वीडियो रील्स बनाने की सनक में गई युवक की जान। जी हां, वीडियो बनाने के लिए नदी में कूद गया युवक, नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। 21 साल का, महज 21 साल का युवक बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। लोरमी मनियारी नदी में यह हादसा हुआ है। तो रील्स बनाने के चक्कर में आपने देखा होगा कि पहले भी कई लोगों की इस तरीके से जान गई एक, और ये नया मामला मुंगेली से सामने आया है। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म होगा, आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होने वाले। जी हां, दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागृह में जारी होगा रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले जारी करेंगे नतीजे। आदर्श आचार संहिता के चलते विभागीय अधिकारी परिणाम जारी करेंगे। रिजल्ट के समय कोई भी मंत्री और नेता नहीं होंगे शामिल। 10वीं में 3,45,000 छात्र शामिल हुए, 12वीं में 2,55,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था। तो वहीं सीएम साय ने छात्रों को दी अग्रिम बधाई, आज आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट। और सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा पोस्ट, जहां पर सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रिय बच्चों, सीजी बोर्ड के परिणाम आने वाले हैं, जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। अगर किसी कारण आप नंबर की दौड़ में उतने आगे नहीं भी बढ़ पाए हों तो चिंता की बात नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके अभिभावक की तरह आपके साथ है, जीवन में सदैव आगे बढ़े। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका एक पोस्ट आया है, जहां पर उन्होंने, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाएंगे उन्हें अग्रिम बधाई दी गई है, और जिन बच्चों के कारण किसी भी कारण से नंबर कम है तो उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ होने का उन्होंने बात कही है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी तनु जुड़ गई हैं। तनु, आज दिन बहुत ही खास है, लाखों बच्चों के जो मेहनत है उसका परिणाम आ जाने वाला है, और इसके पहले एक सीएम साय का पोस्ट भी सामने आया एक्स पर। जी बिल्कुल, देखिए 10वीं 12वीं का परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज 10th और 12th सीजी बोर्ड के रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में दोपहर 12:30 बजे परिणाम जो है वो जारी किए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले और सचिव के द्वारा इस बार परिणाम जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता चल रहा है, ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं आज इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि 1 मार्च से 12वीं की परीक्षा और 2 मार्च से जो है 10वीं की परीक्षा चालू हुई थी, और 21 मार्च तक 12वीं की परीक्षा और 2 मार्च से 23 मार्च तक 10वीं की परीक्षा जो है खत्म हुई थी। 10वीं की परीक्षा में करीब 3.5 लाख और 12वीं की परीक्षा में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हुए थे, और 16 अप्रैल तक दोनों कक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य भी जो है वो पूरा कर लिया गया था। पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, और रिजल्ट के दौरान बच्चों में तनाव ना हो इसके लिए भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, जिसमें साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बच्चों को तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण जो है वो किया जा रहा था। साथ ही आज 12:30 बजे जब रिजल्ट जारी होंगे तो परीक्षार्थी जो है cgbse.nic.in में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बच्चों को इसके लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी परीक्षार्थी असफल होते हैं तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार अभिभावक के तौर पर हमेशा उनके साथ है। तो कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, और बस इंतजार केवल 12:30 बजे का है जब रिजल्ट जो है वो जारी होंगे। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल तनु, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए 12:30 बजे का इंतजार रहेगा बच्चों को, और उनकी मेहनत का फल आज मिलने वाला है। और प्रदेश में अब नक्सलवाद की हम बात करेंगे, जहां प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 नए फॉरवर्ड कैंप खोले गए हैं। डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर यह कदम उठाया गया। विजय शर्मा ने कहा कि जिले को जल्द ही नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, इसी दिशा में ये कदम उठाए गए। तो लगातार नक्सलियों के खात्मे और घर वापसी, और अब एक बड़ी योजना तैयार की गई है। बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर कैंप के नए कैंप के बनाने के काम नई सरकार के साथ शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पत्रा, ऐसे 2 और अन्य स्थानों पर कैंप प्रस्तावित है। इन सभी कैंपों के माध्यम से नक्सलिज्म को इधर इस क्षेत्र में कबरधा जिला कबीरधाम के क्षेत्र में बढ़ने से रोका जाएगा। उनका जो मूवमेंट इधर से है उस पर भी लगाम लगेगा, और अनावश्यक तौर पर जब कहीं और दबाव बढ़ता है तो यहाँ से आकर के गुजर कर गाँव वालों को कुछ परेशान करना और इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उन सब बातों से यह स्थान सुरक्षित हो, इसके लिए इन सारे कैंपों को खोला जा गया है और आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। हाईकोर्ट में 13 मई से 7 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। 10 जून से नियमित कार्य होगा शुरू। छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्री में होगा नियमित काम। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए लगाई जाएगी विशेष बेंच। तो आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी रियायत कह सकते हैं, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल सेशन शुरू हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने, बिलासपुर से खबर है, जहां हाई कोर्ट में 13 मई को 7 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी और 10 जून से नियमित कार्य शुरू होगा। माफ कीजिएगा, दरअसल ये हाई कोर्ट के कार्रवाई जो होती है उसको लेकर ये पूरी जानकारी है, जहां हाई कोर्ट में 13 मई से 7 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी और 10 जून से नियमित कार्य होगा। छुट्टियों के दौरान हाई कोर्ट रजिस्ट्री में नियमित काम होगा। अति आवश्यक अगर कोई मामले होंगे उसकी सुनवाई होगी, उसके लिए ही स्पेशल बेंच लगाई जाएगी। और अब बात बलरामपुर से हम खबर की, जहां गौवंश की हत्या के फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 30 अप्रैल को दावत खिलाने की तैयारी थी और गौवंश की हत्या के फरार 5 आरोपी जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर का पूरा मामला है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 30 अप्रैल को दावत खिलाने की इनकी तैयारी थी, लेकिन इसके पहले ही इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और जो फरार आरोपी थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर कोरबा से है, जहां नवा पारा में जंगल से बाहर आया हाथी। हाथी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। कटघोरा में घूम रहे हैं 39 हाथी। हाथी को जंगल में खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको कोरबा से दे रहे हैं, जहां पर नवा पारा में जंगल से हाथी बाहर आया। हाथी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जब हाथी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि यहाँ पर कुछ जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद थे, ग्रामीण भी मौजूद थे। और कटघोरा में ये हाथी 39 हाथियों का दल है जो घूम रहा है। हाथियों को जंगल में खदेड़ने की कोशिश भी अब की जा रही है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार होगा खत्म, आज जारी होंगे